सो हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त के राजकुमार और आज जो है हम लोग ACCI के करंट प्रेसिडेंट मिस्टर सुरेंद्र जी से हम लोग काफी सारा सवाल करेंगे। तो सर, आपसे सबसे पहला सवाल, अभी हम रिसेंटली बहुत सारा वीडियोस बनाया तो बहुत सारे लोग जो युवा है यहाँ का खाली गवर्नमेंट जॉब ऐसे ही बोले, और अभी मेरे को ये देखकर अच्छा लगा कि ACCI हम लोग जो एडमिनिस्ट्रेशन से मिलकर 900 वैकेंसीज निकाला है, तो इसका बारे में बताइए सर। देखिए, 900 पदों के बारे में जो आप बताए जो रिक्त हैं, मैं ये कहूंगा ये 900 नहीं, शायद 1000-1200 से भी ऊपर है। और कोविड के प्रकोप के बाद जब हम दोबारा पटरी पर लौट रहे हैं, खास करके हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रेड जो कि बहुत तेजी से वापस अपनी पटरी पर आ रहा है, और जैसा कि आप जानते थे कि रेनी सीजन में काम बहुत कम हो जाता है, रेनी सीजन भी खत्म हो गई है, और अब आने वाले सीजन में जिसको वर्किंग सीजन हम कहते हैं, और हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो ऑलरेडी ऑन फ्लोर है उसके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बहुत लोगों की दरकार है, इंजीनियर्स हैं, काम करने वाले मजदूर हैं, टेक्निकल आदमी की जरूरत है, मशीन चलाने वाले लोगों की जरूरत है, डिजाइनर की जरूरत है, हमारे आर्किटेक्ट की जरूरत है, सर्वेयर्स की जरूरत है, तो इस तरह सभी क्षेत्रों में हमें लोगों की जरूरत है। और सारी कंपनियां इसके लिए, रोज आप देखते होंगे न्यूज़पेपर्स में से और सोशल मीडिया के माध्यम से और बाकी यहाँ पर और मेनलैंड में पूरी तरह से वो कोशिश कर रहे हैं कि सब लोग वापस आए और उचित लोग वहां वापस आए, जिससे कि जो काम है वो दोबारा हम समय अनुसार और इस वर्किंग सीजन का पूरा लाभ उठा सके। इसके अलावा होटल इंडस्ट्री, टूर ऑपरेटर्स और जो बाकी इससे लगी हुई इंडस्ट्रीज हैं, उन सब में भी अब आप देख रहे हैं कि टूरिस्ट दोबारा आना शुरू हो गए हैं। मगर जैसा कि मैंने बताया कि टूरिस्ट का इनफ्लो पूरा खोल देना एकदम उचित नहीं होगा, और शायद इसी कारण से हमारा जो अंडमान निकोबार प्रशासन है, क्योंकि हमारे लोगों का स्वास्थ्य सबसे बड़ी चीज है, और अभी जो सेकेंड स्पेल ऑफ कोविड जो बढ़ रहा है उसको देखते हुए, और हमारे यहाँ ये कोविड के केसेस बहुत कम हो, जो कि अब एवरेज में 60-70 के बीच आ गए हैं, हम चाहते हैं ये और कम हो और हम भी लक्षद्वीप की तरह एकदम जीरो कोविड हो जाए। लोगों को एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी है और इसी कारण लोग अभी से ही बहुत आसान्वित हैं, और ये लोगों को एम्प्लॉय करने के लिए, उनके इंटरव्यू के लिए उनके पास अपॉर्चुनिटी है। बहुत सारे इंटर आइलैंड के जो बच्चे हैं हमसे बहुत सारे व्हाट्सएप में मतलब सवाल करते थे कि कब तक ये हो जाएगा। अंडमान प्रशासन के साथ अंडमान चेंबर ऑफ कॉमर्स एज ए कैटलिस्ट के रूप में काम कर रहा है, और मेरे अनुमान के हिसाब से अगले 2-3 हफ्तों में वो इस चीज पर पूरी तरह से चिंतन करके और मीडिया के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से सबको बता देंगे, जिससे इंटर आइलैंड और यहाँ के हर तरह के बच्चों को ये पूरी तरह खबर मिल जाए कि किस दिन इंटरव्यू होने वाला है। और मैं अंडमान के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे ये भी कहूंगा कि अगर हो सके तो वो जो भी प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स हैं अपना रिज्यूम अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन को ईमेल के थ्रू भेज दें, तो वो लोग इसको स्क्रूटनी कर लें, और कंसर्न्ड जो भी प्रोबेबल एम्प्लॉयर्स हैं उनके पास भेज दें, और वो स्क्रूटनी के बाद उनको एक स्लॉट समय हिसाब से दे दें, समय मानते हुए कि इंटर आइलैंड जो हट बे हैं, कैंपल बे है, कार्निक है या बाकी आइलैंड है, और यहाँ रंगत है, माया बंदर है, वो बच्चे यहाँ पर उचित समय से आ पाएं और अपने रहने खाने पीने का अरेंजमेंट कर लें और इंटरव्यू दें। बहुत सारा इस तरह जॉब मेला इससे पहले भी हुआ है, और गवर्नमेंट का भी बहुत सारा ऐसा यहाँ पे वैकेंसी है जो इम्प्लीमेंट हो जाता है, मतलब स्टार्टिंग पे जो है स्टार्टिंग वाला स्टेज सब हो जाता है मगर कम्प्लीट नहीं हो पाता है। तो ये जो जॉब मेला है 2020 वाला, ये कब तक सक्सेसफुली 900 वैकेंसीज आप लोग प्रोवाइड कर देंगे? एम्प्लॉय दोनों के मिलकर, उनके दोनों को इस बात से आश्वस्त होकर ही काम करना पड़ेगा। अगर प्रशासन चाहता है कि जॉब मेला हो जाए, एम्प्लॉय चाहता है कि वो जॉब मिलने में चला जाए, और एम्प्लॉयर चाहता है कि वो आदमी आ जाए, इससे ज्यादा समाधान नहीं होना है। जिसको चाहिए और जिसके लिए चाहिए, वो दोनों मिलना ये बहुत जरूरी है, और इसको एक जगह सारी सुविधाएं मिले, इसके लिए प्रशासन को वो एक कैटलिस्ट के रूप में ये अरेंज करके दे सकता है, उनकी जिम्मेवारी है नैतिक, और वो ये करके दे रहे हैं। मगर हमारे जो जिनको काम चाहिए उनको ये बात अपने माथे में जहन में डालनी पड़ेगी कि उनका एक प्रोफेशनल अप्रोच होना है, कि उनको अपना कैरियर अगर बनाना है तो उनको वो चीज जो कि वो दे सके कन्विंस कर देंगे एम्प्लॉयर को, कोई शक नहीं है कि उनको नौकरी मिल जाएगी। अभी एम्प्लॉयर के माथे में यहाँ मैक्सिमम, चाहे दुकानदार हो, चाहे वो कोई कंस्ट्रक्शन व्यवसाय से जुड़ा हो, चाहे होटल व्यवसाय से जुड़ा हो, चाहे टूर और ट्रेवल व्यवसाय से जुड़ा हो, या और कोई रिटेल चेन से जुड़ा हो, सबको चाहिए कि सही व्यक्ति चाहिए। अगर आदमी के मन में है कि मैंने भाई डिग्री हासिल कर ली, आपके लिए वो डिग्री एक सम्मान का विषय है, समाज के लिए एक सम्मान का विषय है, इससे आपको ये है कि आप एक स्टैंडर्ड पर आपके पास में नॉलेज है। मगर मैं अगर इंजीनियर हूं तो मैं इंजीनियरिंग फर्म को अपने काम से
सेटिस्फाई करूंगा तो वो व्यक्ति जरूर आपको काम देगा, एम्प्लॉई, क्योंकि वो किसी व्यक्ति पर अगर अपना समय अपना धन और वो व्यक्ति को तैयार करता है जिससे कि वो उस कंपनी में बहुत दिनों तक काम कर सके। इस संदर्भ में मैं उनके माता पिता से भी ये कहना चाहता हूँ कि उनको ये बात माननी पड़ेगी, उन्होंने अपने बच्चे पर समय दिया है, अपना इमोशन दिया है, अपना पैसा लगा के उसको डिग्री दिलाई है, तो वो ये चाहें कि वो सही जगह पर और सही दायित्व के हिसाब से प्लायर को, उस संस्थान को, उस प्रोफेशन को पूरा अपना काम दे। और जो एम्प्लॉयर है उनको भी ये चाहिए कि उसको वो सही आज का मूल्य दे और उसको वो इज्जत मिलनी चाहिए जो एक डिग्री वाले को मिलनी चाहिए। दोनों की विन-विन सिचुएशन होने की बात है। अंडमान को लेके ACCI का आगे प्लान क्या क्या है सर? सबसे बड़ा तो जैसे भारत सरकार चाहती है, हमारा अंडमान प्रशासन चाहता है, एक ईज ऑफ बिजनेस हो। वो एक बहुत बड़ा इम्पेडिमेंट है व्यवसायी, जब सब चाहते हैं, सरकार चाहती है, हम चाहते हैं, तो वो इम्पेडिमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है? मे बी कि इतने वर्षों की जो हमारी रूढ़वादिताएं हैं या जो जो चीज चली जा रही है वो कुछ घंटों में या कुछ दिनों में तो बदलने वाली नहीं है, मगर ये अगर आने वाला युवा पीढ़ी और हम सब जो इतने एक्सपीरियंस हैं और जो इसके कारण हम देख रहे हैं कि डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है और बहुत सी चीजें सही नहीं हो पा रही है, तो हम पूरी कोशिश करेंगे अपनी तरफ से प्रशासन को के साथ बैठकर और नए जो हमारे युवा साथी हैं उनके साथ मिलकर कि इस चीज को हम कैसे स्ट्रीमलाइन करें और हमारा नाम ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में एकदम 50वें या 60वें नंबर पर वो न आए, ऐसी हम पूरी कोशिश करेंगे। और खास करके हम अंडमान में तो ये हमारा एक बहुत लिमिटेड जगह है, लिमिटेड लोग हैं, उनसे मिलकर हम ये जरूर कर सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत हो, स्वच्छ भारत हो या ईज ऑफ बिजनेस हो, इन सब में हम बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं और इस चीज को हम बहुत कम समय में बहुत हद तक प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। यहाँ का यूथ को मोटिवेट करने के लिए एक आखिरी में आप क्या बोलना चाहोगे? सिंसियरिटी, प्रोफेशनलिज्म एंड लगन और श्रद्धा से काम अगर आप करेंगे कहीं कुछ भी असंभव नहीं है। मैं यहाँ के बहुत से ऐसे व्यवसायी जो आज बहुत ही एस्टेब्लिश्ड लोग हैं, चाहे उनकी होटल चैन हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन के फील्ड में यहाँ के नामी गिरामी हो गए हो, उनका अगर अतीत मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, अगर मैंने देखा है तो वो इतनी हम्बल बिगनिंग से शुरू किए हैं मगर उनका डिटर्मिनेशन की लगन और ईमानदारी अपने काम के प्रति, अगर वो हमारे लिए अगर बेंचमार्क है तो कोई भी ऐसा युवा नहीं है, कोई भी ऐसा आइलैंडर नहीं है जो उस ऊंचाई को प्राप्त नहीं कर सके। और भी बहुत से फैक्टर हैं जो जीवन में प्रभावित करते हैं मगर हम कंफर्टेबल जीवन व्यतीत कर सकेंगे, आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक, इसमें कोई दो मत नहीं है। मैं जो भी लोग जिनको नौकरियों की जरूरत है और जॉब मिला एक अपॉर्चुनिटी है प्रशासन के द्वारा दी गई और हम भी बड़ी ईमानदारी से अंडमान चेंबर की तरफ से एज ए कैटलिस्ट, और मैं अपने जो भी मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको की लोगों की जरूरत है उन सबसे भी अनुरोध करूंगा, समय बदल गया है, सोशल मीडिया का जमाना है, उनको सही दाम देना पड़ेगा और आपको सही काम देना पड़ेगा, तो सही दाम और सही काम, इस दो फार्मूले के साथ में सबको सही चीज मिलेगी। मेरा आप सबको बहुत बहुत शुभेच्छा है कि आप इस मेले में आइए और अपने साथियों से भी बताइए। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना इतना कीमती टाइम दिया। सो गाइस, अंत में आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज ये वीडियो को जितना ज्यादा हो सकेगा, आप अगर व्हाट्सएप में देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं, प्लीज शेयर करिए, अपने अगल बगल जो यूथ है उसको मोटिवेट करिए। और ये जो जॉब मेला जब स्टार्ट होगा, मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि अंडमान के जितने भी यंगस्टर्स है प्लीज ये जॉब मेला अटेंड करिए। सोशल मीडिया का जमाना है और राजकुमार एक युवा उद्यमी है और अंडमान ऑनलाइन चैनल आप समाज में जो भी समाज की जरूरतों के हिसाब से मैसेज लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहा है, मैं उसको बहुत साधुवाद देता हूं और मैं यहां के व्यवसायी वर्ग से भी अनुरोध करता हूं कि ऐसे युवा प्रतिभाशाली लोगों को अपने संस्थानों के एडवर्टीजमेंट और बाकी चीज़ें देकर प्रोत्साहित करें जिससे कि ये इस तरह के सामाजिक क्षेत्र के कार्य लोगों तक पहुंचा सकें और हमारे समाज को और भी हर तरह से मजबूती प्रदान कर सकें। धन्यवाद।